सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त दिल्ली की धरती के उत्ते ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है, ट्रैक्टर की रैली निकल रही है, किसान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जिथे किसान सानू वेखण नू मिल रहे हैं, मजदूर सानू वेखण नू मिल रहे हैं, वख वख सूबियां दे लोकी वेखण नू मिल रहे हैं, उत्थे बहुत अच्छी गल ये भी हैगी है कि सानू वख वख तरीके दियां मशीनरियां भी वेखण नू मिल रही ने। ट्रैक्टर लोकी लैके आए हैं, किसान लैके आए हैं, और ये जिहड़ा ट्रैक्टर हैगा खास तौर दे उत्ते बेलारूस जिहड़ा बड़ा घट तुहानू वेखण नू मिलेगा, एक तो फिल्म दे विच भी आया है और बड़ा देखण नू भी बड़ा जानदार लगता है, शानदार लगता है। तो वजीर सिंह जी का यह ट्रैक्टर है हरियाणा तो आए, गल कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं जी, आप स्वागत करते हैं। मैं आप सभी अपने दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं जी। आप वैसे हरियाणा से कहां से हैं? हमारा गांव जुआ, जिला सोनीपत। सोनीपत, हाँ जी, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये ट्रैक्टर कब लिया था आपने? ये ट्रैक्टर हमने लगभग 1.5 साल पहले महाराष्ट्र से ले आए थे। अच्छा, हाँ जी। तो ये है बेलारूस का? बेलारूस का है। तो कैसे आए इंडिया में, कैसे आया ये क्या मतलब कि कब आए थे इंडिया? ये 2008 में की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। अच्छा। 2009 में इंडिया में आए थे, भारत सरकार ने लिए थे ये, और ये उसके बाद ये सरकार के आपसी झगड़े में ये 4 साल बंदरगाह पे खड़े रहे। 4 साल खड़े रहे, हाँ जी। अच्छा। उसके बाद फिर ये बिके, उसके बाद ये इंडिया में नहीं आए। हाँ, इसकी कीमत और जो आम ट्रैक्टर अपना जो यहाँ पे बिक रहा है अभी नॉर्मल जो बहुत सारी कंपनी बनाती हैं, तो क्या कीमत में भी कोई फर्क है? कीमत का देखो जी, नए का तो हमें आते नहीं, पता नहीं कितनी कीमत होगी अब इसकी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितनी हॉर्स पावर का है और कितना तेल की खपत ज़्यादा करता है और उसे या कम करता है? ये रशियन हॉर्स पावर 65 है जी इसके अंदर। अच्छा, रशियन 65 हॉर्स पावर है, और हमारे इंडियन ट्रैक्टरों से डीजल कम खाता है, काम ज़्यादा करता है, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं है। अच्छा ही। जीरो मेंटेनेंस है। अच्छा ही। हाँ जी, जीरो मेंटेनेंस है। आज तक इसके अगले पे ही है कि कोई बैरिंग भी नहीं चेंज हुई है। अच्छा ही। ये टायर भी एक जोड़ी घिसा दिए, दूसरे डाल दिए हैं, कोई बैरिंग भी चेंज नहीं हुआ इसका आज तक। अच्छा, बल्कि टायर घिस गए हैं पर बैरिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई चेंज नहीं हुआ इसका आज तक। और कंटिन्यू इस टाइम प्रेजेंट टाइम भी वर्किंग पे ये काम करता है। और क्या क्या इसमें दूसरे ट्रैक्टरों से, नॉर्मल ट्रैक्टरों से और क्या क्या अलग है? जैसे भी बता रहे हो आपकी काम भी ज़्यादा करता है, तेल भी कम खाता है, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैसे नॉर्मल जो ट्रैक्टर हैगा वो हमें महीने में कुछ ना कुछ तेल पानी चेक करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है, ये वो, तो आपको सिर्फ मोबिल ऑयल चेंज होता है। अच्छा, समय के अनुसार मोबिल ऑयल चेंज करना पड़ता है, सर्विस होती है, और उसके अलावा ये कोई खर्च नहीं, और लंबे समय से ड्राइवर चलाता है, कोई थकान नहीं होती इसमें, आरामदायक है, आरामदायक। तो दोस्तों अपने आप दे विच नमूने वेखण नू मिल रहे ने इंजीनियरिंग दे भी, जिथे ट्रैक्टर लैके आए हुए ने बहुत सारे किसान वीर, उत्थे अपने अपनी होर बहुत सारिया चीज़ा लैके आए हुए ने। कार्ट भी असी वेखी है, जिहड़ी 4x4 कार्ट हुंदी है वह भी किसान वीर लैके आए हुए ने, परमात्मा की बहुत कृपा हैगी है। पर सिर्फ इस गल तो किसान चिंतित ने कि सरकारां परवाह नहीं कर रही, किसानों की मृत्यु हो रही है जी, 70 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं, पर जिसके पास कहते दिल होता है वो तो किसी को भूखा नहीं देख सकता, और यहाँ पे किसान मर चुके हैं, सरकारों को कोई असर नहीं हो रहा। सरकार बॉम्बे जाके जब अंबानी का बेटा होता है, पोता पैदा होता है, उसको देखने जाती है, यहाँ पे किसान मर रहे हैं उनको देखने नहीं आई आज तक। हम किसान सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि ये जो तीनों काले कानून हैं ये वापिस लिया जाए, और सरकार किसान कितने परेशान हो रहे हों, इनकी परेशानी को देखते हुए इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अच्छा, इसका जो ये लीवर है, गियर लीवर है, ये क्या चीज़ें हैं? ये लिफ्ट के लीवर हैं, और दो ये ऑक्सिलरी वाल्व के आगे लोडर लगाना हो तो। अच्छा। रशियन उस जमाने में इसकी पहली एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास अभी तक नहीं आई है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। सो इसी तरीके के नाल वक्त वक्त होर मशीनों के भी दर्शन कराते रहेंगे, तो मिलवाते रहेंगे साडे किसान वीरां दे नाल। किसानों की शान हैगी है, किसानों का जिवें निहंग सिंह अपने घोड़े नूं मन दे के साड़ी दिल जान ने, जान भाई ने, उवें ट्रैक्टर किसान मन दे के ट्रैक्टर साड़ा जान भाई हैगा, एक किसानों की शान हैगा और किसानों की जान हैगा। सो इस तरीके अपनी जान नूं लैके, जान हथेली दे उत्ते रख के किसान इस वक्त दिल्ली दियां सड़कां दे उत्ते पहुँचे हुए ने, और तुसीं वेख सकदे आ किसानी दे झंडे बड़ी चढ़दी कला दे विच इस वक्त किसान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे ने जी। सो वख-वख पिक्चर
वक्त दृश्य थोड़ा विखाते रहेंगे अज की इस रैली के। फिलहाल फिलहाल वेखते रहो निरपक्ष पोस्ट खबर की निरपक्ष आवाज। धन्यवाद जी। पंजाब अते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचने की कोशिश विच तुसी भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर की निरपक्ष आवाज। विजिट करो www.nirpakhpost.com।